किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम आपको 9 पॉइंट्स ऐसे बताने वाले हैं कि 8 to 9 पॉइंट्स हम बताएंगे। यदि आप इनको ध्यान में रखते हुए इनको अपनाते हैं और हम पॉइंट बाय पॉइंट चर्चा करेंगे, यदि आप इनको अपनाते हैं तो आपका जो खेती में जो उत्पादन है वो डेफिनेटली डबल होने वाला है। कोई भी फसल लगाते हैं उसका उत्पादन निश्चित आपको डबल मिलेगा। तो कुछ ऐसे आधुनिक तरीकों की हम बात करेंगे, उसके साथ साथ जो आपकी फसलों में कीट लग रहे हैं वो कीट व रोग आपके कम आपको देखने को मिलेंगे, या कि कीट व रोग कम होंगे और उत्पादन आपका बढ़ेगा। तो कुछ ऐसे तरीके की बात करेंगे, 8 to 9 पॉइंट्स यहाँ पे हम बताएंगे। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। एक तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं। देखिए, हो सकता है जो हम पॉइंट्स बता रहे हैं इनमें से आप कुछ जानते भी हों और कुछ फॉलो भी कर रहे हों, लेकिन सारे पॉइंट्स को आप ज़रूर ध्यान में सुने, ध्यान से सुने और समझें, और सभी पॉइंट्स को आपको फॉलो कीजिएगा तो डेफिनेटली आपका जो उत्पादन है वो अच्छा होगा। जो रोग व कीट आपके बहुत कम आपकी फसलों के अंदर हो जाएंगे, जो एक बहुत बड़ी समस्या है। तो देखिए, इन पॉइंट्स में सबसे पहला जो पॉइंट्स आता है वो आता है हमारा फील्ड लेवलिंग, यानी कि जो आपका खेत है उसका लेवल होना चाहिए। वो आप कंप्यूटर मांझे से करा सकते हैं। तो देखिए, एक बार लेवलिंग करा देते हैं 2-3 साल तक आपको आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो लेवलिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है यदि आप सब्जी वर्गीय फसलों की खेती करते हैं। देखिए क्या होता है, जब हम लेवलिंग नहीं करते हैं तो क्या है कि हमारा खेत ऊँचा नीचा रहता है, तो उस कंडीशन में हम बेड भी बनाते हैं उस पर। तो बेड बनाकर हम सब्जी लगाते हैं, तो बेड बनाते हैं तो कहीं बेड ऊंचा होता है, कहीं नीचा होता है। उसके बाद हम क्योंकि फ्लो मेथड से सिंचाई करते हैं, तो हम सिंचाई करते हैं तो कहीं तो पानी पहुंचता नहीं है और कहीं जो बेड है वो डूब जाता है। इससे जहां पानी नहीं पहुंचेगा वो पौधा सूखे से ख़त्म होगा, और जहां पौधा डूब जाएगा उसमें क्या होगा, उसमें डैम्पिंग ऑफ डिजीज आपके आ जाएंगे, तो हमें जो क्रॉप का प्रोडक्शन है वो बिल्कुल अच्छा नहीं मिलेगा। तो देखिए, लेवलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है। फील्ड लेवल ज़रूर होना चाहिए यदि आप सब्जी वर्गीय फसलों की खेती करते हैं। और यदि आप ड्रिप का यूज करते हैं तो लेवलिंग की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन बहुत सारे किसान हैं जो ड्रिप का यूज नहीं करते हैं, उनको अपने फील्ड को लेवल ज़रूर कराकर रखना चाहिए। उसके बाद चलते हैं हम पॉइंट नंबर 2 पर। पॉइंट नंबर 2 है सीड ट्रीटमेंट। देखिए, बहुत सारे किसान भाई सीड ट्रीटमेंट को इग्नोर करते हैं। देखिए, सीड ट्रीटमेंट बहुत ही ज़रूरी है। जब आप सीड ट्रीटमेंट कर लेते हैं शुरुआत में, किसी सीड को फंजीसाइड से ट्रीटेड कर लेते हैं, इंसेक्टिसाइड से ट्रीटेड कर लेते हैं, तो आपकी फसलों में जो सॉइल बॉर्न डिजीज है वो आपको नहीं देखने को मिलते हैं। तो देखिए, शुरुआत में क्या है कि हमारा बहुत कम फंजीसाइड यूज होता है। मान लीजिए 1 किलोग्राम बीज के लिए मात्र 3 से 5 ग्राम जो फंजीसाइड है वो लगेगा, और बहुत कम इंसेक्टिसाइड यूज होता है, लेकिन उसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। बाद में यदि आप सीड ट्रीटमेंट नहीं करते हैं और कोई सॉइल बॉर्न डिजीज आता है आपकी फसलों में, तो उससे फिर बाद में आप उसे कंट्रोल करते हैं तो बहुत सारा फंजीसाइड लगता है, 500 ग्राम 1 kg, तो एक्सपेंस आपका बढ़ता है और उसके बाद भी आपकी फसल बहुत हद तक खराब हो चुकी होती है। तो इसलिए देखिए, सीड ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सीड ट्रीटमेंट आप करते हैं तो आप बहुत सारे कीटों से और सकिंग पेस्ट से, या आप जो हमारे सॉइल बॉर्न डिजीज हैं उनसे आपकी फसल बची रहती है। जो जर्मिनेशन परसेंटेज है वो बढ़ जाता है, हमारी क्रॉप का अधिक जर्मिनेशन आता है, तो इससे प्रोडक्शन हमें बहुत अच्छा देखने को मिलता है। तो सीड ट्रीटमेंट को कभी भी इग्नोर ना करें, सीड ट्रीटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक अच्छी फार्मिंग के लिए, अच्छी फसल लेने के लिए। उसके बाद चलते हैं पॉइंट नंबर 3 पर। पॉइंट नंबर 3 है हमारा कि आपका जो सोइंग मेथड है, यानी कि बुवाई का जो तरीका है वो कैसा होना चाहिए। देखिए, यदि आप सब्जी वर्गीय फसलों की खेती कर रहे हैं तो आपकी जो सब्जी वर्गीय फसलों की कोई भी फसल है, टमाटर है, मिर्ची है, बैंगन है, तोरई है, लौकी है, घिया है, तो इनको हमेशा बेड बनाकर ही बुवाई करें, बेड पर करें, प्लान में कभी ना करें। प्लान में करेंगे तो देखेंगे कि प्रोडक्शन बिल्कुल अच्छा नहीं मिलेगा, क्रॉप में तरह तरह के रोग आएंगे, क्रॉप की जो ग्रोथ है वो अच्छी नहीं मिलेगी। तो इसलिए बेड बनाकर ही उसकी जो बुवाई है या प्लांटिंग है वो आपको करना चाहिए वेजिटेबल क्रॉप की, तो देखेंगे बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आता है हमारा मल्चिंग। देखिए, आपने बेड बना लिया, सब कुछ कर लिया, सीड ट्रीटमेंट कर लिया, उसके बाद मल्चिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मल्चिंग 2 तरीके से आप कर सकते हैं। एक तो मल्च जो हमारे ऑर्गेनिक मल्च होते हैं, जैसे हमारी फसलों के अवशेष होते हैं, धान के पुआल होते हैं, आप उससे भी मल्च कर सकते हैं। यदि आप बाजार से जो हमारा पोलोथीन का मल्च है वो परचेज नहीं करना चाहते, यानी कि पॉलीसीट आता है ब्लैक एंड सिल्वर कलर का जो मल्च आता है, वो मल्चिंग पेपर का यदि आप यूज नहीं करना चाहते तो आप जो ऑर्गेनिक मल्च है उसका भी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन देखिए, जो मल्चिंग पेपर आता है ब्लैक एंड सिल्वर कलर का, वो बहुत ही इफेक्टिव होता है, और जब आप उसमें
उसमें लगाएंगे तो आप देखेंगे कि जो आपका प्रोडक्शन है बहुत ही बेहतर होगा, आपकी क्रॉप की जो ग्रोथ है बहुत फास्ट होगी, आपकी फसल पर शुरुआती अवस्था में सकिंग पेस्ट का अटैक नहीं होगा। तो शुरुआत में तो आपको लगेगा कि खर्चा हो रहा है, लेकिन उसमें बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलता है। और जो आप ये मल्च डालते हैं, इसमें ज़रूरी नहीं कि आप ड्रिप का यूज करें, क्योंकि मल्च तो हमें सस्ते में मिल जाता है। एक एकड़ का खर्चा मात्र आपको लगभग जो आएगा वो 4000 के आसपास आएगा, 4000 या 4400 रुपये के आसपास आएगा एक एकड़ का खर्चा मल्च के लिए। लेकिन उसमें ड्रिप लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंस होता है, तो आप बिना ड्रिप के भी कर सकते हैं। आप देख रहे हैं पेपर की हमारी क्रॉप है, यानी कि मिर्ची की क्रॉप है, इसको हमने बिना ड्रिप के लगाया है मल्च में, तो मल्च में बहुत ही अच्छी ग्रोथ आती है, उससे बेहतर हमें प्रोडक्शन मिल जाता है। जितना हम खर्चा भी नहीं करते, आप देखेंगे कि उससे डबल प्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है, तो बहुत शानदार होता है। और यदि आप ये मल्च यूज नहीं कर सकते तो फिर जो ऑर्गेनिक मल्च आती है, जो पुआल वगैरह या जो हमारी ईख की सूखी पत्तियां हैं, उनको आप मल्चिंग के तौर पर उपयोग जरूर करें, तो इससे बहुत ही बेनिफिट आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद आता है पॉइंट नंबर फाइव है हमारा कि ऑर्गेनिक सोर्स ऑफ योर फार्म, यानी कि जो ऑर्गेनिक सोर्स, यानी कि जो हमें गोबर की खाद चाहिए, यानी कि एफवाई मैनोर जिसको हम कहते हैं, तो वो अपने फार्म के होने जरूरी हैं। और ज़्यादातर किसान भाई पशुपालन करते भी हैं, जो भी किसान भाई खेती करते हैं उनके घर में पशु जरूर मिल जाएंगे। तो जो भी पशुओं से जो वेस्ट निकल रहा है, जो भी गोबर निकल रहा है, उसका आप अच्छे से उसको डिकम्पोज करें और उसका बेहतर जो खाद है वो तैयार करें, उसके बाद अपने खेतों में उपयोग करें। और आपको उपयोग इनको करना ही चाहिए। जब आप इनको उपयोग करेंगे, एफवाई मैनोर को, गोबर की अच्छी तैयार खाद को, या आप कैंचुआ खाद तैयार कर सकते हैं घर पे, वो आपको करना चाहिए। जब हम इनको उपयोग करते हैं तो हमें कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ना ही हमारी फसलों में जो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे सल्फर है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, इनकी भी डिफिशियंसी नहीं होती है। तो बहुत अच्छी क्रॉप हमें देखने को मिलती है। केवल हम नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, तीन तत्वों का उपयोग करेंगे, और बाकी हम जो हमारे एफवाईएम मैन्योर है हम इसको अपने खेतों में डालें, तो हमें बहुत अच्छा प्रोडक्शन देखने को मिलता है, हमारी सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहती है। तो इसको इग्नोर बिल्कुल भी ना करें। जो एफवाईएम मैन्योर है, ऑर्गेनिक जो खाद है, उनको अपने खेतों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हमें उपयोग करना चाहिए। उसके बाद आता है हमारा पॉइंट नंबर सिक्स है कि हमें मैक्सिमम यूज करना चाहिए जो हमारे बायो फर्टिलाइजर आते हैं उनका भी। देखिए, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर मैंने आपको बता दिया, लेकिन बायो फर्टिलाइजर आते हैं जैसे जिंक सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, या हमारा PSB फास्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया, या पोटास मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं, जो हमारे खेत के अंदर जो फास्फोरस है, जिंक है, या हमारा पोटेशियम है, उसको घुलनशील बनाकर हमारे पौधे को उपलब्ध कराते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे रहते हैं और ये हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करते हैं, सॉइल की ओवरऑल हेल्थ को सुधारते हैं जो ये बायो फर्टिलाइजर होते हैं। तो इनका भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। और जब हमारी सॉइल की हेल्थ सुधरती है तो रोग व कीट भी हमें कम देखने को मिलते हैं और प्रोडक्शन बहुत लाजवाब होता है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है, जो बायो फर्टिलाइजर है इनका आप ज़रूर उपयोग करें अपने खेतों के अंदर। जो भी आप कर सकते हैं उसको ज़रूर अप्लाई आपको करना चाहिए। उसके बाद चलते हैं पॉइंट नंबर 7 की तरफ। पॉइंट नंबर 7 है हमारा कि बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीज, जो हमारे कीट आते हैं, रोग आते हैं, उनको भी हमें बायोलॉजिकल तरीके से ही कंट्रोल करना चाहिए। बायोलॉजिकल जैसे कि हमारी फसलों में रोग आ रहे हैं तो हमें क्या है कि बेसल डोज में जो हमारे ट्राइकोडर्मा है, स्यूडोमोनास है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। इसी तरीके से इंसेक्ट का अटैक है हमारी फसलों में, तो जो हमारे बायोलॉजिकल जो पेस्टिसाइड आते हैं हमें उनका उपयोग करना चाहिए। जैसे कि मेटराइजम एनिसोपली आता है, तो और भी बहुत सारे आते हैं, तो आपको उनको ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग में लेना चाहिए। ये बहुत बेनिफिशियल होते हैं। इनसे क्या होता है, इनका उपयोग आप करते हैं तो ये कीट भी कंट्रोल होता है, और कीट बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक कंट्रोल होता है। ऐसा नहीं होता है कि हम पेस्टिसाइड, जो केमिकल इंसेक्टिसाइड, केमिकल फंजीसाइड, उनका हम स्प्रे करते हैं, कीट एकदम कंट्रोल हो जाता है, लेकिन उसके बाद और तेज़ी से जो कीट और रोग का अटैक हमारी फसलों पर देखने को मिलता है, उसके साथ साथ हमारी भूमि पर और हमारी फसलों पर इसके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, जिससे हमारी जो सॉइल की हेल्थ है वो बिगड़ती है, तो फिर हमारे प्लांट की हेल्थ भी बिगड़ती है और प्लांट में और ज़्यादा रोग और कीट अटैक करते हैं। इसलिए यदि आप बायोलॉजिकल कंट्रोल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो कीट है या रोग है वो अच्छे से कंट्रोल होगा और उसका लॉन्ग ड्यूरेशन तक कंट्रोल होगा, और आगे धीरे धीरे इनकी जो अटैक करने की जो फ्रीक्वेंसी है वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, यानी कि रोग व कीट आपकी फसलों में धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। तो ये
जो बायोलॉजिकल कंट्रोल है ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, बहुत ही अच्छा रहता है। उसके बाद आता है हमारा पॉइंट नंबर एट है हमारा कि क्रॉप रोटेशन। देखिए क्रॉप रोटेशन जो है यानी कि फसल चक्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं, लगातार एक ही फसल लगाते रहते हैं और फिर उसमें क्या है कि बार बार डिजीज का अटैक होता रहता है, क्योंकि एक फसल में एक तरह के रोग आते हैं। मान लीजिए कोई एक फसल, एक कुल की फसल आपने लगाई, टमाटर लगाया, तो उसमें अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट का अटैक होगा, या आप जो हमारा आलू है वो भी सेम कुल की फसल है तो उसमें भी अर्ली ब्लाइट लेट ब्लाइट का अटैक होता है। तो यार टमाटर आलू आप एक खेत में बार बार लगाते जा रहे हैं तो उसमें मान लीजिए एक बार अर्ली ब्लाइट का अटैक हुआ तो क्या होता है कि उसकी जो फंगस है फिर वो जो हमारे पत्तियों के अवशेष होते हैं वो सॉइल में गिर जाते हैं, वो इन्फेक्टेड होते हैं, तो उसी में वो लंबे समय तक फिर सॉइल में वो फंगस जीवित रहती है। तो उस कुल की फसल को या टमाटर की फसल को या आलू की फसल को बार बार आप लेंगे तो बार बार वो डिजीज आएंगे, तो वो डिजीज बढ़ते रहते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, यदि रोग आपकी फसलों में या कोई कीट आपकी फसलों में लगातार अटैक कर रहा है और वो कंट्रोल करना मुश्किल होता है तो आपको क्या करना है, क्रॉप रोटेशन करना है। तो आप दूसरे कुल की क्रॉप लगाएं अपने खेत के अंदर, उसमें देखेंगे कि वो डिजीज अटैक नहीं करेंगे और वो कीट भी अटैक नहीं करेंगे, तो इससे फिर डिजीज और कीटों का जो अटैक है धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो क्रॉप रोटेशन बहुत ज़रूरी है सॉइल को फर्टाइल भी बनाने के लिए और हमारी फसलों पर रोग व कीट जो है वो कम अटैक करें उसके लिए भी। जो क्रॉप रोटेशन है, फसल चक्र है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर हमारे बहुत सारे किसान भाई ध्यान नहीं देते हैं, उनको लगता है कि हम जो फसल ले रहे हैं वो उसी पर फोकस रखते हैं, लेकिन आपको दूसरी फसल जरूर लेनी चाहिए अदर कुल की। तो इससे रोटेशन होगा तो आपको भी बेनिफिट होगा, कीट रोग पे खर्चा कम होगा, आपकी भूमि फर्टाइल बनी रहेगी, उत्पादन भी आपको अच्छा देखने को मिलेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, इन पॉइंट्स को यदि आप ध्यान में रखते हुए खेती करते हैं, कोई भी फसल उगाते हैं, तो आप देखेंगे आपकी फसलों में रोग व कीट कम हो जाएंगे और उसका उत्पादन जो है वो निश्चित ही आपको डबल मिलने वाला है। जो पहले आप ले रहे थे उससे निश्चित डबल आपको मिलेगा। तो बहुत ही बेनिफिशियल होंगे यदि आप इन पॉइंट्स को फॉलो करते हैं और आप अपने आप इन पॉइंट्स को फॉलो करके आप अपनी क्रॉप में अपने आप ही जो परिणाम है वो देख सकते हैं। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुँच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।